मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद, स्वागत है आपका गीत गजल और कविताओं के एक ऐसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। वाह जी वाह। आज हमारी इस महफिल में अदब के तीन ऐसे हस्ताक्षर मौजूद हैं जो आप यकीन मानिए कि जिस वक्त उनके हुनर का जादू सर चढ़कर बोलेगा आप खुद ब खुद के उठेंगे वाह जी वाह। चलिए बिना किसी तमहित के महफिल की शुरुआत करते हैं और आवाज देते हैं इस महफिल के पहले शायर को। मेरी मुराद है भांडुप मुंबई से आए हुए डॉक्टर सईद अख्तर बस्तवी साहब, जो नवांकुर शायर हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम नए कवियों को और नवांकुर शायरों को यहाँ मौका देंगे, उसी की शिनाख्त करते हुए, उसी की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ डॉक्टर सईद अख्तर बस्तवी साहब मौजूद हैं। मैं दावत सुखन देता हूँ, बड़े अदब एहतराम के साथ वो आए और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर सईद अख्तर बस्तवी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो नए शायर लोग को मदो किए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मुकम्मल गजल पेश करता हूँ। कि तेरी जानिब से मेरे इश्क का इनाम कैसा था, तेरी जानिब से मेरे इश्क का इनाम कैसा था, अचानक मुझसे तेरा रूठ जाना शाम कैसा था, अचानक मुझसे तेरा रूठ जाना शाम कैसा था। और देखिए तो ताबिज भाई, जुदाई की सुलगती धूप में ये याद आता है, जुदाई की सुलगती धूप में ये याद आता है, तेरी जुल्फों के साए में मुझे आराम कैसा था, तेरी जुल्फों के साए में मुझे आराम कैसा था। और कहीं तू बेहिजाबाना ना आया हो खुली छत पर, कहीं तू बेहिजाबाना ना आया हो खुली छत पर, तेरे कूचे में हंगामा बता कल शाम कैसा था, तेरे कूचे में हंगामा बता कल शाम कैसा था। और मेरे महबूब ने पूछा शिकस्ता करके पैमाना, मेरे महबूब ने पूछा शिकस्ता करके पैमाना, बता मेरी निगाहों का छलकता जाम कैसा था, मेरे महबूब ने पूछा शिकस्ता करके पैमाना, मेरे महबूब ने पूछा शिकस्ता करके पैमाना, बता मेरी निगाहों का छलकता जाम कैसा था। और यही तो चाहते थे लोग के बर्बाद हो जाऊं, क्या बात है, यही तो चाहते थे लोग के बर्बाद हो जाऊं, तो फिर मेरी तबाही पर भला कोहराम कैसा था, तो फिर मेरी तबाही पर भला कोहराम कैसा था। कोहराम का जवाब नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कि न मक्ता समाप्त करें कि न बदले ख्वाब आंखों के, तमन्ना भी नहीं बदली, न बदले ख्वाब आंखों के, तमन्ना भी नहीं बदली, तो फिर होंठों पे अख्तर दूसरा ये नाम कैसा था, तो फिर अख्तर फिर होंठों पे अख्तर दूसरा नाम कैसा था, न बदले ख्वाब आंखों के, तमन्ना भी नहीं बदली, तो फिर होंठों पे अख्तर दूसरा ये नाम कैसा था। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी गजल मुलाहिज़ा करें कि फूल भी महकते हैं डालियां महकती हैं, फूल भी महकते हैं डालियां महकती हैं, यूं बहार आई है वादियां महकती हैं, यूं बहार आई है वादियां महकती हैं, और क्यों ना उसके आने की आरजू रखे दिल में। डॉक्टर साहब जी, होता हो, होता हो। क्यों ना उसके आने की आरजू रखे दिल में, वो कदम जहां रख दे मिट्टियां महकती हैं, वो कदम जहां रख दे मिट्टियां महकती हैं। और ये शेर देखिए कि उससे बिछड़े तो मुझको हो चुकी है एक मुद्दत, उससे बिछड़े तो मुझको हो चुकी है एक मुद्दत, अब भी उसके हाथों की मेहंदियां महकती हैं, अब भी उसके हाथों की मेहंदियां महकती हैं, और रात मेरे आंगन में चांद सी परी कोई, क्या बात है, रात मेरे आंगन में चांद सी परी कोई इस तरह से उतरी थी सीढ़ियां महकती हैं, इस तरह से उतरी थी। कि रात मेरे आंगन में चांद सी परी कोई इस तरह से उतरी थी
सीढ़ियां महकती हैं। क्या कहें, ये गजल का नया थोड़ा है जी, बताओ। मुलाजा करें कि सोहबतें जो अच्छी हों आदमी समरता है। क्या कहने, क्या सोहबतें जो अच्छी हों आदमी समरता है, आदमी समरता है, और चूमकर ही फूलों को तितलियां महकती हैं, चूमकर ही फूलों को तितलियां महकती हैं कि, और मक्ता समाप्त करें कि जाने कैसी खुशबू थी उसके जिस्म में अख्तर, जाने कैसी खुशबू थी उसके जिस्म में अख्तर, जब से छू लिया उसको तितलियां महकती, जब से छू लिया उसको तितलियां महकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रात मेरे आंगन में एक चांद सी करी कोई परी कोई, रात मेरे आंगन में एक चांद सी परी कोई इस तरह से उतरी थी कि सीढ़ियां महकती हैं। बहुत खूब, क्या शेर पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया जाए। और ये सुन के मुझे भी एक मेरी गजल के कुछ मिसरे याद आ रहे हैं कि तफ्ता जिगर जब अपनी जिद पे आते हैं, तफ्ता जिगर जब अपनी जिद पे आते हैं, सहरा की तपती रेत पर गुलशन खिला जाते हैं। वाह, सहरा की तपती रेत पर गुलशन खिला जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अदब और इल्म जब दोनों एक साथ मिलते हैं, इनसे जो रोशनी निकलती है वो रोशनी इतनी पाक और इतनी मुनव्वर होती है कि इस कायनात का जर्रा जर्रा भी चमकने लगता है, बेशक खुशबू से महकने लगता है। आज हमारे साथ जो तीन शायर हैं, ये उसी की नुमाइंदगी में एक पेशगी भर हैं आपके लिए। हमारे पास अभी ऐसे बहुत से कलाम बाकी हैं, बहुत से हमारे पास ऐसे शायर बाकी हैं जो आपके जहन और दिल को महकाने के लिए बेताब हैं। अब मैं जिस शख्स के हुजूर आपको लेके चल रहा हूँ, वो बड़े अजीम शख्स हैं। एक शायर के तौर पर उनकी शिनाख्त बहुत मयारी शिनाख्त है। मुंबई का ऐसा कोई मंच नहीं है जहां उन्होंने अपनी अदबी काविशों से प्रोग्राम को और मंच को न सजाया हो, उसको फरोग न दिया हो। मेरी मुराद है कौसा मुमरा से आए हुए एक ऐसे शायर जिन्हें हम ताबिश रामपुरी के नाम से जानते हैं। ताबिश भाई, स्वागत है आपका, आइए आइए। आप अपने तेरी सफर का आगाज चार मिसरे से करना चाहते हैं, समाप्त करें। अल्फाज को मजमून के जुमरे में सजा दो, अल्फाज को मजमून के जुमरे में सजा दो, पत्थर भी उठाओ तो उसे फूल बना दो। क्या बात है, क्या बात है। अल्फाज को मजमून के जुमरे में सजा दो, अल्फाज को मजमून के जुमरे में सजा दो, पत्थर भी उठाओ तो उसे फूल बना दो। कब तक करोगे मीर के बाहों में ज़रात, कब तक करोगे मीर के बाहों में ज़रात, तुम अपनी जमीन ढूंढ के कोहराम मचा दो। कब तक करोगे, कब तक करोगे मीर के बाहों में ज़रात, तुम अपनी जमीन ढूंढ के कोहराम मचा दो। आइए चारवीं से देखें। करके तवाफ हुस्न का गजले भी आ गई, करके तवाफ हुस्न का गजले भी आ गई, अशार लब को चूम के मदहोश हो गए। करके तवाफ हुस्न का गजले भी आ गई, अशार लब को चूम के मदहोश हो गए। एक चांद शायरी में नमूदार क्या हुआ, सूरत तमाम शहर के खामोश हो गए। सूरत तमाम शहर के खामोश हो गए। आइए हाजिरी कराम एक मुकम्मल गजल आपकी आपकी पेशे खिदमत। मतला मुलाज़ा फरमाएं। जब से मिली है तुझसे नजर मैं नशे में हूँ। जब से मिली है तुझसे नजर मैं नशे में हूँ, सारे नशे हैं जेर और जबर मैं नशे में। जब से मिली है तुझसे नजर मैं नशे में हूँ, सारे नशे हैं जेर और जबर मैं नशे में हूँ। दुनिया का हाल मुझसे भला पूछते हो क्या, क्या बात। दुनिया का हाल मुझसे भला पूछते हो क्या, मुझको नहीं है अपनी खबर मैं नशे में। दुनिया का हाल मुझसे भला पूछते हो क्या, मुझको नहीं है अपनी खबर मैं नशे में हूँ। क्या तेवर है भाई। मुझको नशे में भी मेरे घर का ख्याल है। क्या बात है।
मुझको नशे में भी मेरे घर का ख्याल है, लेकिन न जाऊंगा मैं उधर, मैं नशे में हूँ। मुझको नशे में भी मेरे घर का ख्याल है, मुझको नशे में भी मेरे घर का ख्याल है, लेकिन न जाऊंगा मैं उधर, मैं नशे में। दुनिया तेरे तिलिस्म से मानूस हो तो, देखिए डॉक्टर साहब, दुनिया तेरे तिलिस्म से मानूस हो तो मुझ पे नहीं है कोई असर, मैं नशे में। दुनिया तेरे तिलिस्म से मानूस हो तो मुझ पे नहीं है कोई असर, मैं नशे में हूँ। लोगों ने जाके चांद सितारों को छू लिया, लोगों ने जाके चांद सितारों को छू लिया, और मैं पड़ा हुआ हूँ इधर, मैं नशे में हूँ। लोगों ने जाके चांद सितारों को छू लिया, और मैं पड़ा हुआ हूँ इधर, मैं नशे में हूँ। ताबिश हवा के दोष पे जलता चिराग है, ताबिश हवा के दोष पे जलता चिराग है, फानूस बन ही जाता मगर मैं नशे में हूँ। जब से मिली है तुझसे मैं नशे में हूँ, सारे नशे हैं जेर ज़बर, मैं नशे में हूँ। दुनिया तेरे तिलिस्म से मानूस हो तो हो, मुझ पे नहीं है कोई असर, मैं नशे में हूँ। आइए एक गजल के चंद, दूसरे गजल के चंद अशआर, मतलब मुलाज़ा करें। इरशाद, सितमगर वक्त है या जिंदगी है क्या बताऊं मैं, सितमगर वक्त है या जिंदगी है क्या बताऊं मैं, परेशान हर तरफ हर आदमी है, क्या सितमगर वक्त है या जिंदगी है क्या बताऊं मैं, परेशान हर तरफ हर आदमी है, क्या बताऊं, वाह वाह, क्या बात। जुबा खामोश हो तो धड़कने आवाज देती है, ज़बा खामोश हो तो धड़कने आवाज देती है, मेरे अंदर की दुनिया बोलती है, क्या बताऊं मैं, क्या कहने, क्या कहने। ज़बा खामोश हो तो धड़कने आवाज देती है, मेरे अंदर की दुनिया बोलती है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। जिगर के हो गए टुकड़े मगर ये जान बाकी है, जिगर के हो गए टुकड़े मगर ये जान बाकी है, अभी यकतुर्फ अपनी आशिकी है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, अभी यकतुर्फ अपनी आशिकी है, क्या बताऊं मैं। अगला शेर मुलाज़ा साहब, तेरे आंचल के ऊपर भी कोई आंचल नजर आया, तेरे आंचल के ऊपर भी कोई आंचल नजर आया, अना की बू मुसलसल आ रही है, क्या बताऊं, तेरे आंचल के ऊपर भी कोई आंचल नजर आया, अना की बू मुसलसल आ रही है, क्या बताऊं मैं, क्या बात है। कभी पहचान लेती है कभी अनजान बनती है, कभी पहचान लेती है कभी अनजान बनती है, इन आंखों को नजर किसकी लगी है, कभी पहचान लेती है कभी पहचान लेती है कभी अनजान बनती है, उन आंखों को नजर किसकी लगी है, क्या बताऊं मैं। अजब सी कैफियत है कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्या बात, लेकिन नजर बहुत अच्छा, अजब सी कैफियत है कोई भी अच्छा नहीं लगता, सही भाई क्या देखेंगे, अजब सी कैफियत है कोई भी अच्छा नहीं लगता, मगर इन सब के पीछे मुफलिसी है, क्या हक बयानी है। अजब सी कैफियत है, अजब सी कैफियत है कोई भी अच्छा नहीं लगता, मगर इन सब के पीछे मुफलिसी है, क्या बताऊं, मगर इन सब के पीछे मुफलिसी है, क्या बताऊं मैं। एक ऐसी प्यास है बुझती नहीं है मीठे पानी से, एक ऐसी प्यास है बुझती नहीं है मीठे पानी से, एक ऐसी प्यास है बुझती नहीं है मीठे पानी से, नदी के पास रखे तिश्नगी है, क्या फिर पढ़िए, कैसी प्यास है, ये कैसी प्यास है बुझती नहीं है मीठे पानी से, नदी के पास रखे तिश्नगी है, क्या बताऊं मैं। मक्ते की जमत, फकत एक लफ्ज ने ताबिश पराया कर दिया तुझको, फकत एक लफ्ज ने ताबिश पराया कर दिया तुझको, तेरा अपना भी अब तो अजनबी है, क्या बताऊं मैं, तेरा अपना भी अब तो अजनबी है, क्या बताऊं मैं। सितमगर वक्त है या जिंदगी है, क्या बताऊं मैं, बहुत परेशान हर तरफ
हर आदमी है, क्या बताऊं मैं। आखिरी चार मिनट से विदाई लेना चाहता हूं। दिल की दुनिया में मोहब्बत का सहीफा उतरा, दिल की दुनिया में मोहब्बत का सहीफा उतरा, ऐसा लगता है गजल लेके फरिश्ता उतरा, ऐसा लगता है गजल लेके फरिश्ता उतरा। दिल गम के सहरा में, गम के सहरा में मोहब्बत की नदी सूख गई, गम के सहरा में मोहब्बत की नदी सूख गई, अश्क आंखों के समुंदर से भी तन्हा उतरा। अदा जब से मिली है तुझसे नजर, मैं नशे में हूँ, सारे नशे हैं जीरो जबर, मैं नशे में हूँ। ये थे तावे शाहपुरी साहब, जो अपने कलाम से आपको लुत्फानंदोज कर रहे थे। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको बहुत कम जगह पर इस तरह की शायरी देखने सुनने को मिलेगी। लफाजी करना, बयानबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी बात को अदब के दायरे में रह के कहना बहुत मुश्किल काम है। और इस काम के लिए तावेश रामपुरी साहब आपकी मोहब्बतों के मुस्तहिक हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए, स्वागत किया जाए। दोस्तों, वाजिब आकी इस महफिल में गीत, गज़ल और कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए। आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके जिसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत प्यार है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत, गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवी और इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत, गजल और कविताओं के एक ऐसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। आपकी मोहब्बतों के बीच, आपकी सरगर्मियों के बीच मैं एक ऐसे शायर के हुजूर आपको ले जाना चाहता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं कि एक ऐसे मुतरन्नम शायर के जिसका मुझे और आपको सबको फख्र होगा कि वो शायर आपकी नवी मुंबई की सरजमी से ताल्लुक रखता है। मेरी मुराद है कोपर खैना नवी मुंबई से आए हुए एक ऐसे शायर जो बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक हैं। आवाज़ तो माशाल्लाह, क्या उनकी आवाज़ है। बिना किसी लंबी तमहीद के मैं आवाज़ देना चाहूँगा मोहतरम जनाब नजर हयातपुरी साहब। आइए बड़े अदब एहतराम के साथ आपको दावत सुखन देता हूँ, आपका इस्तकबाल है, आइए। शुक्रगुजार हूँ टीवी वन का और जनाब सुधीर शर्मा साहब और जनाब लक्ष्मण शर्मा साहब का कि जिन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ किया है जो ऐसे लोगों का ढूंढना मकसद है कि जो अहले हो के भी गुमनामी के पर्दे में हैं, उनकी तलाश। और वाकई ये सराहनीय कदम है जनाब लक्ष्मण शर्मा साहब का और सुधीर शर्मा जी का। गज़ल से पेशतर चंद मत फरीक अशार जी अता हो, उसके बाद मैं गजल पेश करूंगा। अता करो। वो आशना है मगर मुझको जानता कम है। वो आशना है मगर मुझको जानता कम है वो इसलिए कि मेरा उससे वास्ता कम है। वो आशना है मगर मुझको जानता कम है, वो इसलिए कि मेरा उससे वास्ता कम है। और जलाओ घर मेरा इतना मगर ख्याल रहे, जलाओ घर मेरा मगर इतना मगर ख्याल रहे, तुम्हारे घर से मेरे घर का फासला कम। अच्छा, जलाओ घर मेरा, फासले का जवाब नहीं, इतना मगर ख्याल रहे, तुम्हारे घर से मेरे घर का फासला कम है। और ये भी देखें कि किसी भी बात की वो बदगुमानी छोड़ देता है,
किसी भी बात की वो बदगुमानी छोड़ देता है। हो अच्छा दोस्त तो रंजिश पुरानी छोड़ देता है। और सुना है जुर्म करने वाला चाहे जितना शातिर हो, सुना है जुर्म करने वाला चाहे जितना शातिर हो, वो अपने पीछे कोई एक निशानी छोड़ देता है। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल बहुत अच्छे। और नहीं रहती है हरदम कोई भी शय अपनी हालत पर, नहीं रहती है हरदम कोई भी शय अपनी हालत पर, दही भी कुछ दिनों के बाद पानी छोड़ देता है। अच्छा, दही का जवाब है, दही का जवाब है। आइए गजल समाप्त फरमाते हैं, मतलब हाजिर है। मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर, मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर, जो पत्थर चलेंगे तो क्या कीजिएगा। मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर, जो पत्थर चलेंगे तो क्या कीजिएगा। बुझाने पे है जिन चिरागों को तूफान, बुझाने पे है जिन चिरागों को तूफान, वो फिर भी जलेंगे तो क्या कीजिएगा। है जिन चिरागों को तूफान, वो फिर भी जलेंगे तो क्या कीजिएगा। मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर, न लालच रखें बस करें काम अपना, जो किस्मत में होगा तो खुद ही मिलेगा। न लालच रखें बस करें काम अपना, जो किस्मत में होगा तो खुद ही मिलेगा। न लालच रखे बस करे काम अपना, जो किस्मत में होगा तो खुद ही मिलेगा, खुद ही मिलेगा। सजाया है मेहनत से माली ने गुलशन, सजाया है मेहनत से माली ने गुलशन, जो गुलना खिलेंगे तो क्या कीजिएगा। मेहनत से माली ने गुलशन, जो गुलना खिलेंगे तो क्या कीजिएगा। मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर। और ये शेर देखिए, आता करता हूँ। जरा देखिए उनकी ये भी सियासत, मुखालिफ भी हैं और गले मिल रहे हैं। जरा देखिए उनकी ये भी सियासत, मुखालिफ भी हैं और गले मिल रहे हैं। जरा देखिए उनकी ये भी सियासत, क्या
मुख्तलिफ भी हैं और गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बढ़े हैं कदम रंजिशों को भुला के, बढ़े हैं कदम रंजिशों को भुला के, जो दिल ना मिलेंगे तो क्या कदम रंजिशों को भुला के, जो दिल ना मिलेंगे तो क्या कीजिएगा, मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर। चले जाएंगे एक दिन गुलस्ता से, चले जाएंगे तो समझेंगे तब अहमियत को हमारी, अहमियत को हमारी, तलाशेंगे फिर दर बदर हमको सारे, हो तलाशेंगे फिर दर बदर हमको सारे, जो हम ना मिलेंगे तलाशेंगे फिर दर बदर हमको सारे, चले जाएंगे एक दिन गुलस्ता से, तो समझेंगे फिर अहमियत को हमारी, अहमियत को हमारी, तलाशेंगे फिर दर बदर हमको सारे, जो हम ना मिलेंगे तो क्या कीजिएगा, मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर। चले जाएंगे एक दिन गुलस्ता से, तो समझेंगे तब अहमियत को हमारी, अहमियत को हमारी, तलाशेंगे फिर दर बदर हमको सारे, जो हम ना मिलेंगे तो क्या कीजिएगा, मोहब्बत के सौदाई हैं हम तो हम पर। और समझ कर इसे हादिसा भूल जाए, नहीं गम अगर हम लुटे रह जनों से, समझ कर इसे हादिसा भूल जाए, नहीं गम अगर हम लुटे रह जनों से, लुटे रह जनों से, भरोसा किए हमने जिन रहबरों पे, भरोसा किए हमने जिन रहबरों पे, वही जब उछलेंगे तो क्या कीजिएगा, भरोसा
सा किए हमने जिन रहबरों पे वही जब उछलेंगे तो क्या किया मोहब्बत के सौदाई है हम तो हम पर मक्ता हाजिर समय का ये पहिया रुका है कभी ना न ठहरा है हरदम बुलंदी पे कोई समय का ये पहिया रुका है कभी ना न ठहरा है हरदम बुलंदी पे कोई समय का ये पहिया रुका है कभी ना न ठहरा है हरदम बुलंदी पे कोई बुलंदी पे कोई नजर आपके दिन बहुत जोर पर हैं नजर आपके दिन बहुत जोर पर हैं मगर जब ढलेंगे तो क्या कीजिएगा नजर आपके दिन बहुत जोर पर हैं मगर जब ढलेंगे तो क्या कीजिएगा मोहब्बत के सौदाई है हम तो हम पर जो पत्थर चलेंगे तो क्या कीजिएगा तो ये चाहता हूँ समय का ये पहिया रुका है कभी ना न ठहरा है हरदम बुलंदी पे कोई समय का ये पहिया रुका है कभी ना न ठहरा है हरदम बुलंदी पे कोई नजर आपके दिन बहुत जोर पर हैं नजर आपके दिन बहुत जोर पर हैं मगर जब ढलेंगे तो क्या कीजिएगा मोहब्बत के सौदाई है हम तो हम पर जो पत्थर चलेंगे तो क्या कीजिएगा बुझाने पे है जिन चराहों को तूफान वो फिर भी जलेंगे तो क्या कीजिए तो क्या कीजिएगा बुझाने पे है जिन चराहों को तूफान वो फिर भी जलेंगे तो क्या कीजिएगा समय का ये पहिया रुका है कभी ना समय का ये पहिया रुका है कभी ना ना ठहरा है हरदम बुलंदी पे कोई और नजर आपके दिन बहुत जोर पर है मगर जब ढलेंगे तो क्या कीजिएगा बहुत खूबसूरत मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से नजर भाई का इस्तकबाल किया जाए और जिसको शायरी कहते हैं जिसको गजल का रंग कहते हैं जिसको गजल या शेर कहते हैं उनकी भरमार नजर हयातुली साहब के साथ में है उनके पास इतना बड़ा खजाना है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला है आज नजर भाई को सुनने के बाद हमारी वो मुराद भी पूरी हो गई कि हमने बहुत दिन से किसी अच्छे मुतरन्नम शायर को नहीं सुना आप यकीन मानिए
कि आपकी शायरी सुनने के बाद, आपका खासतौर तरन्नुम सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत और मेरे अंदर भी जो छुपा हुआ शायर है तरन्नुम वाला, वो जाग जाता है, मगर मैं उसको चुपके से सुला देता हूँ। दोस्तों, वाजिबा की इस महफिल के जरिए हमारी एक कोशिश है कि हम नवांकुर और नवोदित शायरों और कवियों को यहाँ पर एक मौका दें। अगर आप भी लिखते हैं बाकमाल और आपके कलाम में भी है दम, तो हमारा आपसे वादा है कि टीवी वन इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है, नीचे लिखे हुए नंबर पर आज ही अपना पंजीकरण कीजिए। आज की महफिल बस इतना ही, अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए कवियों और नए शायरों के साथ। तब तक आप हमको दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।